ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें, कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह ग़ालिब है, हिकमत वाला है। और मोमिनों, मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं, मोमिन औरतों को उनकी ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे, मोमिन ग़ुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अयामे हैज में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे मुकारबत ना करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बशारत सुना दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बशारत सुना दो। और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला ना बनाना कि उसकी कस्में खा खा कर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अल्लाह तुम्हारी लख्व कस्मों पर तुमसे मुआख्जा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसदे दिली से खाओगे उन पर मुआख्जा करेगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, बर्दबार है।